बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू महीउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन एंड वी आर हियर विद यू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 30 यूनिट नंबर 8 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद काइनेटिक्स। What is kinetics? इसको हम एक MCQ से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स डील्स विद अल्फा ऑप्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिर्फ रेट भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। बीटा ऑप्शन इज फैक्टर्स फॉर रेट। चार्ली ऑप्शन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा ऑप्शन इट डील्स विद ऑल ऑफ दीज एंड ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन डेल्टा। इट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। व्हाट इज मैकेनिज्म? इट इज अ पाथवे थ्रू विच अ रिएक्शन प्रोसीड। अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है तो उसकी जो एक पूरी डिटेल है कि पहले किस में कन्वर्ट हुआ फिर किस में हुआ, स्टूडेंट्स इसकी स्टडी है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और अगर हम यहां पर रिएक्शंस को क्लासीफाई करें, बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन के लिए, यहां पर हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस की एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ऑफ शुगर, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। स्टूडेंट्स ये केमिकल वेदरिंग क्या होती है? ये जो बिल्डिंग स्टोन्स हैं या वैसे स्टोन्स हैं उनके ऊपर जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लाइक एसिड रेन होगी तो वो स्लोली डीकम्पोज करते हैं या डिटीरियोरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल वेदरिंग। उनमें एक स्लो चेंज आ रही होती है। दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो रिएक्शंस। अब आप दूसरी कैटेगरी पे आए, दैट इज मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट। और मॉडरेट रिएक्शन में हम एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इट इज अ मॉडरेट रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज फास्ट और रैपिड रिएक्शंस, फास्ट और रैपिड रिएक्शंस। स्टूडेंट्स फास्ट रिएक्शंस में आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट, आयोनिक रिएक्शंस। हम इनकी एक एग्जांपल लिखते हैं, लाइक वी हैव NaCl एक्वा सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जब हम इन सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे टेस्ट ट्यूब पीछे लेके जाने से पहले, मिक्स करने के बाद हमारे टेस्ट ट्यूब हटाने से पहले पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इट फॉर्म NaNO3 दैट इज एक्वस वाटर सॉल्युबल एंड इट फॉर्म AgCl दैट इज सॉलिड एंड इट फॉर्म प्रेसिपिटेट। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो बड़ा रैपिडली
हमें सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस की है। आयनिक रिएक्शंस बहुत सारे और डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। हम तो जस्ट एक आइडिया डिस्कस करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स। अब काइनेटिक्स में हमारा ज्यादातर ताल्लुक मॉडरेट रिएक्शन से होगा कि उनको कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इम्प्रूव किया जाए। जो बहुत फास्ट हैं इंडस्ट्रियली, अब हमें उन्हें और फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो रिएक्शन बहुत ही स्लो हैं इंडस्ट्रियली वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, और जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं उनको इंडस्ट्रियल स्केल पर कुछ फास्ट करने की ज़रूरत है ताकि कुछ टाइम बचे, कुछ उसके ऊपर जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है और जो लेबर कॉस्ट है वो बचे। तो स्टूडेंट्स उसके डिफरेंट पर्पजेज हो सकते हैं, लेकिन हमने एक आइडिया डिस्कस किया स्लो रिएक्शंस का, मॉडरेट का और फास्ट का। और ये जो आयनिक रिएक्शंस हैं दे आर वेरी फास्ट। इनकी क्या वजह है कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन है? देयर एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। What is activation energy? What is meant by activation energy zero? Activation energy zero होगी तो बहुत fast reaction होगा। अब इस पे हम इस chapter के आखिरी हिस्से में जाके detail से बहस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक idea मैंने इसके साथ attach कर दिया है। अब हम बात करेंगे about rate of reaction, that what is rate of reaction? स्टूडेंट्स इसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, सिंपलेस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो ज्यादा बेहतर है वो ये है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। अब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट की भी हो सकती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक रेट। स्टूडेंट्स एज आई सेड अर्लियर के हम रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ रेट भी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख रहे हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इट मे बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट मे बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये हमने एक आइडिया इसके साथ रिलेट कर दिया। अब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को हम डेल्टा सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम टेकन यानी चेंज ऑफ टाइम को हम डेल्टा टी से, स्टूडेंट्स टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं। और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगी? मोल्स पर डीएम क्यूब। एंड टाइम इफ यू डिस्कस एज सेकेंड, देन रेट के यूनिट्स क्या बन गए? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट्स यहां पर यूनिट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, दैट इज व्हाट आर बेटर यूनिट्स फॉर रेट फॉर गिवन रिएक्शन। अब वो रिएक्शन लिखते हैं, इट इज H2 गैस एंड I2 अगेन इट इज गैस एंड इट फॉर्म 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अगेन इट इज गैस। स्टूडेंट्स ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शंस आर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बीटा इज एटीएम पर सेकेंड, ऑप्शन चार्ली इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा आल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है व्हाट आर द बेटर यूनिट्स फॉर द रेट ऑफ गिवन रिएक्शन, आंसर इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे गैस फेज में हैं, और जब गैस फेज की बात करते हैं तो इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट देम इन द प्रेशर यूनिट्स। अगर क्वेश्चन ये होता कि व्हाट आर करेक्ट यूनिट्स, अगर हम इस वर्ड बेटर की जगह करेक्ट लिख दें तो फिर आप ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट करते, बिकॉज मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड एंड मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये जो डीएम क्यूब है ये लीटर के इक्वल है, तो फिर पर डीएम क्यूब पर लीटर के इक्वल हो गया, तो दोनों यूनिट्स बिल्कुल ठीक हैं और बीटा हमने जो सिलेक्ट किया है वो भी ठीक है। तो अगर बेटर की बजाय ये होता व्हाट आर करेक्ट यूनिट्स, तो सारे करेक्ट थे, फिर हम ऑल ऑफ दी सेलेक्ट कर लेते। स्टूडेंट्स, यहां से आइडिया बस ये दिया है कि आपको प्रेफर करना है प्रेशर यूनिट्स को व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द गैसियस रिएक्शंस, अदरवाइज वी कैन यूज मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड एज वेल। नेक्स्ट इज व्हाट आर एसआई यूनिट्स, ये भी एमसीक्यू है। व्हाट आर एसआई यूनिट्स फॉर रेट, ऑप्शन अल्फा इट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बीटा इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन चार्ली इट इज एटीएम पर सेकेंड्स, एंड ऑप्शन डेल्टा इट इज मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट्स में मोल भी एसआई यूनिट है, मीटर एसआई यूनिट है और सेकेंड एसआई यूनिट है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, ऑप्शन डेल्टा इज बेस्ट फॉर एसआई यूनिट्स। अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर उस पे और भी ज्यादा डिटेल लेकर आते हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट टाइम, ऑन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, स्टूडेंट्स यहां पर कुछ चीजें लेबल करते हैं। ये जो डाउनवर्ड एरो है इट इज फॉर रिएक्टेंट, और ये जो अपवर्ड एरो है, अपवर्ड कर्व है, इट इज फॉर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, और प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके लिए एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, A is converted into B, A is reactant and B is product, तो आप reactant की जगह पर A की concentration भी mention कर सकते हैं और product की जगह पर B की concentration भी mention कर सकते हैं। These again represent reactant and product। Students, अब आप ये observe करें, यहां पर अगर हम different times की बात करें, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, यहां पर हम एक 5 का भी एक 15 का भी, चले चीजें जरा आसान कर लेते हैं। ये हमने मिनट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप देखें तो 5 मिनट्स तक जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वाज एट मैक्सिमम लेवल, जब टाइम बढ़ा तो 5 पर वो कंसंट्रेशन पहले से कुछ कम हो गई। जब टाइम 10 मिनट्स तक पहुंचा तो हम देख रहे हैं वो कंसंट्रेशन और भी कम हो गई। जब टाइम 15 मिनट्स तक पहुंचा कंसंट्रेशन इज फर्दर डिक्रीज्ड। इट मींस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और स्टूडेंट्स, आप इसी चीज को जहां पर आपने 5, 10 और 15 की बात की है, इन्हीं पर अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो तो यहां पर
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी जीरो है। जब फाइव है तो फाइव पर प्रोडक्ट यहां पर टच कर रहा है, अब देखिए मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो टाइम बढ़ने से प्रोडक्ट बढ़ा। जब टाइम 10 मिनट हुआ तो अब देखें ये 5 से भी ऊपर चला गया पिंक एरो, और जब टाइम 15 मिनट हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और भी बढ़ गई। तो यहां से दो चीजें हमने सीखी हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो फिर फॉर रेट ऑफ अ रिएक्शन हम कुछ चीजें लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव चेंज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता, इट ऑलवेज डिक्रीज विद टाइम। स्टूडेंट्स हम यहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स की बहस नहीं कर रहे, हमने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में फॉरवर्ड रिवर्स पे बात की है, ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन की बात हो रही है। एंड रेट ऑलवेज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसमें कंज्यूम हो रही होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका सिंपलेस्ट मतलब यह है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज एवर चेंजिंग प्रॉपर्टी, एवर चेंजिंग। और अब एक पॉइंट लिखने लगा हूं, अब पहले पॉइंट को और इस पॉइंट को गौर से जरा कंपेयर कर लें। चेंज इन रेट, चेंज इन रेट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट कहता है रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अब आप क्या कह रहे हैं इट्स चेंज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 मिनट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 मिनट्स, स्टूडेंट्स सपोज करें हम एक चेंज की बात करते हैं कि 5 मिनट्स पे रेट ज्यादा था और 10 मिनट्स पे रेट कम था, तो अब कम हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 5 मिनट्स पे रेट कम था और 10 मिनट्स पे रेट बढ़ गया बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस, लाइक आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, तो तब रेट जो है उसकी चेंज पॉजिटिव होगी क्योंकि वो नेट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो चेंज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इंडिविजुअली इफ यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन देन इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब हम एक और एमसीक्यू स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, दैट इज अगेन रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ वी हैव रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट बी, रेट इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड एज ऑप्शन अल्फा इट मे बी माइनस डी ए ओवर डी टी, बीटा इट इज प्लस डी बी ओवर डी टी चार्ली, इट मे बी बोथ अल्फा एंड बीटा। स्टूडेंट्स ये जो डी है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमने यहां पर ऐसे लिखा होता डेल्टा, डी की जगह लिखा होता डेल्टा, अगेन इट वाज करेक्ट, इट रिप्रेजेंट अ लार्जर चेंज। और यहां पर हमने अगर लिखा होता डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी तो ये भी बिल्कुल ठीक होता। स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स हैं इनका यहां पे क्या मकसद है, नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट डिक्रीज, स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग,
एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, सो पॉजिटिव रिप्रेजेंट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो फिर ऑप्शन चार्ली ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वाई, आप अगेन इसको देख लें, ए एंड बी, सपोज कि कंसंट्रेशन ऑफ ए 100 है और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, व्हेन टाइम इज जीरो देन बी इज जीरो, व्हेन टाइम इज टी यानी वो रिएक्शन हो रहा है कोई भी टाइम हुआ, एंड इट इज 80 एंड बी इज 20। स्टूडेंट्स जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही उस लिहाज से बी बन रहा होगा, तो 100 और 80 की चेंज वो भी 20 है और 0 टू 20 की चेंज वो भी 20 है, तो ए कम हो रहा है सो इट इज नेगेटिव चेंज, और बी बढ़ रहा है जो कि प्रोडक्ट है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव साइन। तो यहां से आपको आइडिया मिल गया कि कंसंट्रेशन कम हो रही है और कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को हम दोनों तरह से विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टाइम कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सेस एंड वी गेट अ फॉलिंग कर्व। स्टूडेंट्स इस पर हम अपनी मर्जी के दो टाइम पीरियड, दो टाइम इंटरवल्स मेंशन कर देते हैं, 5 मिनट्स, लेट्स से इट इज 5 मिनट्स एंड इट इज 10 मिनट्स, इट इज 15 मिनट्स। स्टूडेंट्स आप 5 मिनट्स तक इसको लाइन के साथ लेकर आए और फिर 10 मिनट्स पर इसको लाइन के साथ लेकर आए। स्टूडेंट्स ये जो 5 और 10 मिनट्स हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट है, IR इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर भी क्या है, IR इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब दो चीजें देखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एट एनी गिवन इंस्टेंट लाइक 5 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स ये इंस्टेंटेनियस रेट है, और व्हाट इज एवरेज रेट, मैं उसको ए आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो एरिया इसके दरमियान में है, एक 5 के इंस्टेंटेनियस रेट पर और एक 10 के इंस्टेंटेनियस रेट के दरमियान में जो एरिया है, स्टूडेंट्स इट इज एवरेज रेट, रेट बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एज एवरेज रेट। स्टूडेंट्स अगर आप इसको यहां तक ले आए और इसको भी यहां तक ले आए, तो अब आपने देखा कि आपको एक ट्रायंगल मिल रही है, ये 5 और 10 के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज डेल्टा टी, इज इट ओके। और स्टूडेंट्स ये जो दो पिंक लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है ये आपके पास डेल्टा एक्स है, यानी ये कंसंट्रेशन चेंज है, तो हम यहां पर रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, एक्स इज कंसंट्रेशन एंड डेल्टा टी इट इज टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन चेंज ओवर टाइम टेकन, आपने इस ट्रायंगल से ये बात सीख ली कि रेट ऑफ रिएक्शन इससे कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है। मैं यहां पर एक एमसीक्यू लिख रहा हूं एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑप्शन अल्फा, इट इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ऑप्शन बीटा इट इज डी एक्स ओवर डी टी, चार्ली बोथ करेक्ट।
स्टूडेंट्स व्हाट आर यू थिंकिंग, कौन से ऑप्शन करेक्ट है? स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन बीटा। मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया है कि जब डी लिखते हैं दैट इज फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज तो थोड़ी सी होगी, तो इंस्टेंटेनियस चेंज बड़ी स्मॉल होती है। इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जो अल्फा ऑप्शन है, डेल्टा लिखा हुआ है दैट इज फॉर लार्ज चेंज, तो एवरेज रेट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, उसकी चेंज ज्यादा होती है। तो अब इसके रिलेटेड हम आपको दो तीन पॉइंट देते हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और वो याद रखने हैं आपने। एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट इज ऑप्शन अल्फा, इंस्टेंटेनियस रेट इज लेस देन एवरेज रेट। बीटा, इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन एवरेज रेट। चार्ली, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल्स टू एवरेज रेट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बीटा। एट स्टार्ट इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर एंड एवरेज रेट इज लोअर। आप इसको इसी एग्जांपल से समझ लें। लेट्स से वी टॉक अबाउट दिस एट स्टार्ट, यानी स्टार्ट के करीब क्या है 5, तो 5 पर जो रेट है स्टूडेंट्स उसके बाद 10 मिनट्स आ गए वो बाद में आ गया, तो इन दोनों के दरमियान में एवरेज है, तो ये दरमियान वाला काम होगा ना, पहला इंस्टेंट जो है वो ज्यादा है एट हायर लेवल है और दरमियान में एवरेज आ रही है ना, इन बिटवीन फर्स्ट इंस्टेंट एंड सेकंड इंस्टेंट। तो स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस इज हायर देन एवरेज। स्टूडेंट्स अब मैं इसके साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, एंड पे जाके इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाता है, स्टार्ट पर इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट से ज्यादा होता है, और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट भी जीरो हो गया, एवरेज रेट भी जीरो हो गया, तो फिर ही दोनों मुमकिन है, अदरवाइज ये किसी इंस्टेंट पे मे बी एक दूसरे के इक्वल हो सके, क्योंकि एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, जनरली ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। और एक और मैं आपको यहां पर हिंट बता दूं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एज टाइम इंटरवल डिक्रीज, अगर टाइम ड्यूरेशन को कम किया जाए इंस्टेंटेनियस रेट बिकम क्लोज टू एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट बिकम क्लोज टू एवरेज रेट, हम इक्वल टू नहीं कह रहे, बिकम वेरी क्लोज टू एवरेज रेट, मे बी वो बहुत ज्यादा करीब आ जाए, उनमें बड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, बट ये आइडिया आप समझें कि जब टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो इनका डिफरेंस भी बढ़ रहा होगा, और जब टाइम इंटरवल कम हो रहा होगा तो आप इंस्टेंटेनियस रेट है सपोज करें वो 5 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स है, तो टाइम चेंज आप 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स की बजाय 1 सेकेंड के करीब ला रहे हैं, तो वो भी तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ही हो रहा है। तो ये आइडिया आपको पहुंच गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं, अगेन एक एमसीक्यू है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज 6×10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब एंड टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स।
व्हाट इज रेट? ऑप्शन अल्फा 6 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड, ऑप्शन बीटा इट इज 6 × 10⁻⁵ मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड, चार्ली इट इज 6 × 10⁴ मोल पर डीएम क्यू पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डेल्टा नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स रिलेशन क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कर दें, डिवाइडेड बाय 10। तो स्टूडेंट्स ये 10 जब ऊपर जाएगा तो उसकी पार माइनस 1 हो जाएगी एंड इट बिकम्स 3 × 10⁴ एंड इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, दैट इज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्टूडेंट्स हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टर्म को भी एक्सप्लेन नहीं किया, रेट कांस्टेंट, लेकिन फिर भी एमसीक्यू लिखने का हमें फायदा होगा। इट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड डेल्टा ऑप्शन इट इज इक्वल्स टू ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखी जाती है, रेट इक्वेशन के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने इक्विलिब्रियम में लिखा था। स्टूडेंट्स अगर रिएक्टेंट वन हो जाए तो के क्या था? रेट कांस्टेंट, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फिर कौन सी ऑप्शन सही हो गई? ऑप्शन बीटा। ऑर्डर क्या है? स्टूडेंट्स आप ऑर्डर को थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन हम ऑर्डर को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहां पर जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि क्वेश्चंस किस तरह से हमें मिल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स इस पे हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग। स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो दिए गए हैं मैं उनसे थोड़ी सी इजाफी बातें भी यहां पे करूंगा क्योंकि आपको एक आइडिया मिलना चाहिए। वो सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके जहन में मौजूद तो होंगी लेकिन मैं इन सारी चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये भी चीजें इन्वॉल्व हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। ये आपकी बुक से बाहर से डाटा कहीं नहीं लिया गया, ये डिफरेंट चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आइडिया था, मैंने सारों को इकट्ठा करके एक जगह पर लेकर आ रहा हूं। लेट स्टार्ट इट विद फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये पहला फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू यहां पर लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम फॉर रिएक्टेंट्स व्हेन दे आर इन डैश फेज, ऑप्शन अल्फा दे आर इन सॉलिड फेज, ऑप्शन बीटा दे आर इन लिक्विड फेज, ऑप्शन चार्ली दे आर इन गैस फेज, एंड डेल्टा ऑल फेजेस हैव सेम रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करें कि रिएक्टेंट वाटर है, वाटर सॉलिड में भी H2O है, लिक्विड में भी H2O है, गैस में भी H2O है, बट व्हाट इज
which option shows the maximum rate of reaction? Students, it is gas. Gas phase have maximum rate of reaction. अब आप सोचें why? ये एक order लिख दिया है, gas, liquid and solid. Students, मैं यहां पर आपको एक और MCQ भी लिख के दे रहा हूं, इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड करें. किसका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा? क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड चार्ली, आयोडीन सॉलिड. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही था, किस पहले तो फेज में था ना, अब है कि मैक्सिमम रेट किसका है. चले मैं इसके लिए लिख देता हूं मैक्सिमम रेट, और मैं आपको इनकी बॉन्ड एनर्जीज भी बताता हूं. इट इज 242 किलो जूल्स पर मोल. ब्रोमीन इज समथिंग लाइक 195 किलो जूल्स पर मोल अप्रोक्सीमेटली, एंड आयोडीन इज 151 किलो जूल्स पर मोल. और मैं एक ऑप्शन और भी बढ़ा दूं, ऑप्शन डेल्टा इज फ्लोरीन F2 गैस, एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी इज 155 किलो जूल्स पर मोल. स्टूडेंट्स, मैंने वाइट से इनकी एनर्जीज लिखी हैं, लेकिन इनके यूनिट्स नहीं लिखे. अब आप एक बात सोचें, एक आइडिया है कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जिसकी वजह क्या है कि रिएक्शन में दो काम करने हैं, एक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक और दूसरा न्यू बॉन्ड फॉर्म. ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी उसका रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए. वी एक्सपेक्ट इट कि वो जल्दी ब्रेक होगा और जल्दी रिएक्ट करेगा. लेकिन अब मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूं कि इसमें सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका है. इट इज फॉर फ्लोरीन, उसके बाद इट इज फॉर क्लोरीन, उसके बाद इट इज फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन is having minimum bond energy, but it is present in the last for rate of reaction. क्यों ऐसा क्यों है? Students, ये idea सुने, अब आपको यहां से phase का idea बड़ा अच्छा मिल जाएगा. Fluorine and chlorine both are gases, और bromine liquid है और iodine solid है. अब question ये है कि fluorine की तो bond energy 155 है, आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी 151 है, तो आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं हुआ? स्टूडेंट्स, आयोडीन सॉलिड है, जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बजाय इसके कि आयोडीन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक करे, वो सॉलिड पहले गैस में कन्वर्ट होगा, सब्लिमेशन हो जाएगी, और फिर जब आप उसको और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर रिएक्शन होगा. यानी अगर फ्लोरीन को एनर्जी देंगे तो वो डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होगी, लेकिन आयोडीन को एनर्जी देंगे तो वो पहले फेज चेंज में यूज होगी, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होते हुए भी आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है. लेकिन अगर आप क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन को कंपेयर करें इन गैस फेज, बोथ आर प्रेजेंट इन द गैस फेज, इट इज एक्सपेक्टेड कि आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि दोनों को अब जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज एनर्जी ब्रेक इट्स बॉन्ड एंड मेक इट टू काज रिएक्शन. तो अब ये आइडिया आई होप सो कि आप समझ चुके हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने गैस, लिक्विड और सॉलिड, इसका एक ऑर्डर लिख दिया. नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स is directly proportional to the rate of reaction. Students, question hai, concentration of reactant is directly proportional to rate due to
अल्फा काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बीटा मोर कुलियंस, चार्ली पोटेंशियल एनर्जी एंड डेल्टा ऑल करेक्ट। क्या वजह है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है? स्टूडेंट्स मोर कुलियन, कंसंट्रेशन इंक्रीज देन कुलियंस इंक्रीज, और नंबर ऑफ कुलियंस अगर बढ़ेंगे तो फिर चांस ऑफ कुलियन बढ़ने की वजह से रिएक्शन करने का चांस भी बढ़ जाता है, और अगर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड ही नहीं करेंगे तो फिर वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें, लाइक कंबसन ऑफ मैच स्टिक इज स्लो इन एयर एंड फास्ट इन प्योर ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स प्योर ऑक्सीजन तो 100% ऑक्सीजन होगी और एयर में कितनी ऑक्सीजन है? 21%। तो अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाएंगे तो कंबसन में ऑक्सीजन भी तो रिएक्टेंट है, तो फिर उस मैच स्टिक की ग्लो बढ़ जाएगी, उसकी कंबसन काफी फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप देखें, वो भी इसी से रिलेटेड है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन डैश ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर बीटा, फर्स्ट ऑर्डर चार्ली, सेकेंड ऑर्डर एंड डेल्टा इज थर्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स इट इज फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन ही ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें हम डिटेल आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप देखें एक इसकी एग्जांपल है एंजाइमेटिक रिएक्शन। अगर एंजाइम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 10^20 फास्ट होगा, और अगर एंजाइम मौजूद ना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 10^20 स्लो होगा। तो स्टूडेंट्स एंजाइम तो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो एंजाइम रेट को तो बढ़ा रहा है लेकिन कंसंट्रेशन पे तो यहां पे कोई डिपेंडेंस नहीं आई ना। तो ये जीरो ऑर्डर की एक एग्जांपल थी, इस पे हम ऑर्डर्स में जाकर और ज्यादा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट फॉर गैस फेज रिएक्शंस। जब रिएक्शन को गैस फेज में करवाया जाएगा तो प्रेशर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे। क्यों ऐसा होगा? प्रेशर इंक्रीज उससे वॉल्यूम डिक्रीज, उससे मॉलिक्यूल कम क्लोज सो दे कैन काज मोर कुलियंस, एंड इफ द नंबर ऑफ कुलियंस इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन और चांस ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं विच इज सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं। इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाई? सरफेस एरिया इंक्रीज उससे क्या होगा, मोर एक्टिव साइट्स मोर कुलियन चांस। और ये बात तीसरी दफा आ रही है कि जब चांस ऑफ कुलियन बढ़ेगा
तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि पाउडर कोल बर्न फास्ट देन सॉलिड पीस। एक कोयले के टुकड़े को बर्न करें और पाउडर को बर्न करें तो पाउडर बड़ी आसानी से बर्न हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी बुक ने एग्जांपल यूज की है कि इफ यू यूज एल्युमिनियम पाउडर विद 2NaOH इट बर्न फास्टर, इट रिएक्ट फास्टर। 6H2O इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स लाइक NA2, not NA2, it is 2NA, 2NaAlOH 4 times and hydrogen gas। स्टूडेंट्स, अगर एल्युमिनियम के पीस को लेंगे आप, टुकड़े को, बड़े को, तो स्लो रिएक्शन होगा। एल्युमिनियम पाउडर लेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों है कि पाउडर में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है? स्टूडेंट्स, आप एक एग्जांपल समझें। लाइक आपके पास एक एप्पल है, मेरी ड्राइंग तो बस ऐसी गुजारे के काबिल ही है, इतना बुरा एप्पल आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आप चलें कोई एक सर्कल समझ लें कि ये एक ऑरेंज है या कुछ भी है। स्टूडेंट्स, जब आप इसको यहां से कट करते हैं तो ये हमें इस तरह दो पीसेस नजर आएंगे। क्या ये सरफेस जो अब हमें कट करने के बाद नजर आ रही है, इसकी क्या ये सरफेस पहले नजर आ रही थी? डेफिनेटली नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज को कट करते हैं तो उसकी ज्यादा सरफेस एक्सपोज हो जाती है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इट मींस अगर आप किसी बड़े पीस को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं तो सरफेस एरिया मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ जाता है, मिलियंस एक्स इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से फिर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। स्टूडेंट्स, पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ कि पार्टिकल साइज के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया? स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल साइज बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम होता है। ये ऊपर वाली एग्जांपल की ले आप ले लें, पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। हमने ऊपर बात की कि हमने एक ऑरेंज को काटा तो उसकी और ज्यादा सरफेस एक्सपोज हो गई। जब उसकी सरफेस एक्सपोज हो गई तो स्टूडेंट्स फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। तो पार्टिकल साइज अगर चीजों का बड़ा हो तो फिर उसकी लेस सरफेस एक्सपोज होती है और सरफेस एरिया कम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए हम कुछ 7-8 पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां पर आप वन बाय वन देखते हैं। 1A मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ग्रुप 2A मेटल्स से। 1A मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन 2A मेटल्स। उसकी वजह क्या है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन और वो लूज करके ही रिएक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप 2A मेटल्स जो हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, तो जो जल्दी लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो 1A आर मोर रिएक्टिव। सेकेंड ये है कि ग्रुप 7A
नॉन मेटल्स का वो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अदर नॉन मेटल्स, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो उसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, और नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करती हैं। तो जो 7A यानी हैलोजन्स का ग्रुप है वो नॉन मेटल्स में से काफी ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। फिर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन ये रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शन होते हैं क्योंकि ये आयनिक रिएक्शंस हैं, इसमें आयन्स इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट्स अगेन आयोनिक रिएक्शंस दे हैव एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू जीरो, सो अगेन दे आर वेरी फास्ट। ये दूसरी दफा जिक्र आ गया है एक्टिवेशन एनर्जी का, और दोनों दफा आयनिक रिएक्शंस के साथ ही आया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होंगे ये मोस्टली ऑर्गेनिक में होते हैं। दीज रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शंस। उसकी वजह क्या है? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस अगेन दे आर स्लो, और अगेन लॉजिक सेम है, दे हैव एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू हायर। स्टूडेंट्स जब हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ रहे होंगे तो मैं ये चीजें वहां पर रेफर कर दूंगा दोबारा से। रिडॉक्स रिएक्शंस वो भी स्लो होते हैं, और डबल डीकंपोजिशन फास्ट होते हैं। डबल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स आपको काफी सारे पॉइंट्स बता दिए कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट और टाइप ऑफ रिएक्शन से जब रिलेशन आता है तो उस लिहाज से भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो यहां से आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट का आइडिया मिल गया होगा कि रिएक्टेंट की नेचर चेंज करने से किस तरह के रिएक्शन होंगे और उनकी वजह से फिर रेट पे क्या इफेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेशनशिप देखते हैं। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे मोर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड, मतलब यह है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो जाती है, और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी तो उस वक्त जो कुलियन है उसका चांस है कि वो इफेक्टिव कुलियन इंक्रीज कर जाते हैं, और इफेक्टिव कुलियन बढ़ने से फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव डिस्कशन इसके लिए यह है कि 10 सेल्सियस इंक्रीज टेम्परेचर रेट बिकम 2x। स्टूडेंट्स 10 सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज टेम्परेचर रेट डबल, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि केल्विन और सेल्सियस इक्वल हैं? नो दे आर नॉट इक्वल, बट देयर चेंज इज इक्वल। इसको मैं गैसेस के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूं, एक दफा फिर बता देता हूं। इफ वी हैव 25 सेल्सियस इट इज 298 केल्विन, एंड इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 26 सेल्सियस इट इज 299 केल्विन। तो स्टूडेंट्स चेंज 1 सेल्सियस है और केल्विन में भी चेंज 1 केल्विन है, तो सेल्सियस और केल्विन की चेंज इक्वल हो सकती है लेकिन सेल्सियस और केल्विन खुद इक्वल नहीं है।
तो ये आइडिया दिया है कि 10 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो आपके लिए एक एमसीक्यू लिख रहे हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 25 सेल्सियस टू 75 सेल्सियस, rate becomes alpha option, it becomes 3 time, beta option, it become 16 time, Charlie option, it becomes 32 time, and delta option, none of these। स्टूडेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से 75 में कन्वर्ट हुआ तो ये 3 गुना हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम हो जाएगा। नो, ये आइडिया देखें, 10 सेल्सियस चेंज से रेट डबल होगा। अब आप इसको देखें कि अगर 25 से 35 में चेंज हुआ 10 सेल्सियस तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम हो गया यानी डबल हो गया। स्टूडेंट्स जब ये 45 हुआ तो फिर 2x का डबल यानी 4x उसका डबल यानी जो भी पहले गिवन है अब उसका डबल होता जाएगा 8x 65 इट इज 16x और 65 से 75 में कन्वर्ट किया तो इट बिकम्स 32x। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। और स्टूडेंट्स इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा हिंट ये है, 2 की पावर n कर दें एंड व्हाट इज n, इट इज डेल्टा t डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट्स यहां पर डेल्टा t कितना है, 25 से 75 कितनी चेंज आई है, 50 की, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। तो 2 की पावर 5 कर दें, ये देखें 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये टाइम बच जाता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 2 into 2 4 into 2 8 8 into 2 16 into 2 इट इज 32। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, इट इज 32 टाइम। स्टूडेंट्स इसी तरह इंक्रीज और इसी तरह डिक्रीज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पॉजिटिव कैटालिसिस। एंड it is inversely proportional to rate of reaction for negative catalysis। students हमें positive और negative catalysis का पता होना चाहिए। जब catalyst डालने से rate बढ़े तो वो positive catalysis है और rate कम हो तो वो negative catalysis है। तो students जो कैटालिस्ट है हम जनरली पॉजिटिव कैटालिस्ट को फोकस कर रहे होते हैं, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव कैटालिसिस की बात आए तो उस लिहाज से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। जब कैटालिस्ट आएगा तो वो मैकेनिज्म चेंज करता है, मैकेनिज्म चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी डिक्रीज होती है। अगेन इसका यही मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो फिर इफेक्टिव कूलियंस बढ़ जाते हैं, कूलियंस इंक्रीज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर पॉजिटिव कैटालिसिस में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। मैंने आपको कुछ अजाफी फैक्टर्स भी डिस्कस कर दिए हैं
लाइक प्रेशर को हमने डिस्कस कर दिया है, लाइक फिजिकल स्टेट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, उसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू दे दिए हैं। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़ा फायदामंद होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स अगले लेक्चर का इंतजार करें। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।